हेलो असलकुम सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल वॉल सेल वॉल इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ मोस्ट लिविंग सेल्स जितनी भी आपके पास लिविंग सेल्स होते हैं तकरीबन ज़्यादातर आपके पास जितनी भी लिविंग सेल्स हैं उनकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो आपके पास होती है सेल वॉल की सेल वॉल आपके पास इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट एंड रिजिडनेस हार्डनेस प्रोवाइड करता है फ्रॉम देर हार्श इन्वायरमेंट से अच्छा जो सेल वॉल है तो ये आपके पास मोस्टली प्लांट्स में मौजूद होता है सेल्स की आउट मोस्ट बाउंड्री को हम कहते हैं सेल वॉल लेकिन इसके अलावा प्लांट्स के अलावा दिस बाउंड्री इज़ आल्सो प्रेजेंट इन द फजाई एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया आल्सो सो प्लांट्स में जो आपके पास सेल वॉल है इसका बेसिक कंपोजिशन आपके पास होता है पुल नोन एज द सेलुलोज एज द फनजाई सेल वॉल इज अप ऑफ द काइटीन एंड द बैक्टीरियल सेल वॉल इज अप ऑफ द म्यूरीन अच्छा जो सेल वॉल है इसके फंक्शंस uh, बहुत ज़्यादा हैं लाइक आपके पास जो सेल वॉल है ये शेप uh, को एंड मेंटेन uh, रखता है सेल को प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम ऑस्मोटिक दस्मोटिक्लाइस इसके अलावा आपके पास जो सेल uh, वॉल है सो so, uh, ये परमिएबल मेम्ब्रेन होती है तो इससे आपके पास एवरी मॉलिक्यूल पास हो सकता है इन टू द सेल एंड आउटसाइड द सेल अच्छा अब हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल इन प्लांट्स में सो so, प्लांट्स की जो सेल वॉल है इसका ये आपके पास थ्री लेयर से बनी होती है आप डायग्राम में भी देख सकते हैं मैंने प्लांट सेल्स बनाए हुए हैं दो प्लांट सेल्स हैं इनकी ये अंदर आपके पास एक प्रोमनेंट वैक्यूल है एंड कंटेनिंग द माइट्रोकॉन एंड ए न्यूक्लियस इसके अलावा आपके पास ये जो ब्लैक से शो हो रही है लाइन ये आपके पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके ऊपर आप देखें ग्रीन से आपके पास प्लांट सेल वॉल की एक लेयर शो हो रही है नोन एज दी प्राइमरी वॉल और रेड से फिर आपके पास है द सेकेंडरी वॉल तो इनके सराउंडिंग में आपके पास ब्लैक से एक और लेयर मौजूद है दिस इज़ नोन एज दी मिडिल लेमिला तो इन सब को अब हम डिटेल से पढ़ते हैं जो तो सेल वॉल की जो थ्री लेयर्स हैं द फर्स्ट लेयर इज़ नोन एज दी मिडिल लेमिला जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मिडिल लेमिला आपके पास काम करता है इट एक्ट्स एज अ ग्लू इसका मतलब ये है कि जो मिडिल लेमिला है इट हेल्प्स टू होल्ड टू एडजस्टिंग सेल्स टुगेदर ठीक है लाइक ये आपके पास क्या करता है कि ये दो सेल्स को एक दूसरे के साथ कम्बाइंड uh, रखता है uh, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है दो प्लांट सेल्स को ठीक है इसके अलावा जो आपके पास मिडिल लेमिला है इसके डायमीटर मौजूद होता है uh, डायमीटर आपके पास होता है इसका वन माइक्रोमीटर एंड uh, इसकी जो कंपोजिशन है तो इसमें होते हैं पैकेटेट मॉलिक्यूल्स एंड हैमी सल मॉलिक्यूल्स बोथ ऑफ देम आर दी पोलीसेक्राइट्स फिर हम बात करते हैं प्राइमरी वॉल की जो ग्रीन से आपको डायग्राम में शो हो रहा है दिस इज़ द दि प्राइमरी सेल वॉल अच्छा जो सेल वॉल है इट इज अ डेड लेयर ठीक है ये एक डेड लेयर होती है एंड इट इज सिक्रीड बाय द प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म क्या होता है प्रोटोप्लाज्म आपके पास होता है द लिविंग सब्सटेंस इनसाइड द सेल लिविंग सब्सटेंस मींस द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग ऑल द बेसिक ऑर्गेनील्स इज नोन एज द लिविंग सब्सटेंस तो ये आपके पास बन जाता है प्रोटोप्लाज्म ये प्रोटोप्लाज्म फिर अपनी प्रोटेक्शन के लिए फॉर सम एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन क्शन एंड हार्डनेस एंड रिजडनेस के लिए सिक्रीट करता है द सेलवाल अच्छा सबसे पहले सेल वॉल की सबसे पहले जो आपके पास लेयर होती है वो होती है प्राइमरी वॉल की लाइक दिस लेयर इज प्रजेंट अबाव द सेल मेमब्रेन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आपके पास एक प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं द प्राइमरी वॉल जो आपको ग्रीन से शो हो रही है इसका डायमीटर आपके पास होता है वन टू थ्री माइक्रोमीटर्स एंड द प्राइमरी सेल वॉल इज कंसिडर्ड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये है कि ये जो आपके पास लेयर होती है ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की एबिलिटी रखती है लाइक like जब भी आपके पास आपको पता है दैट द प्लांट्स यूज द सनलाइट Uh, for the production of glucose by a process known as photosynthesis. तो so sunlight बहुत important है इनके लिए। जब कुछ sunlight ये absorb करते हैं and कुछ sunlight को कुछ wavelengths of the light को plant reflect करता है। so इस reflection of the ability को हम कहे इसकी वजह से हम कहते हैं इसको कि आपके पास क्या है आपके पास optically active uh, wall होती है cell wall की इसके कंपोजिशन में जो प्राइमरी वॉल है इट इज़ मेड अप ऑफ द सेलुलोज इसके अलावा इसमें होता है पैक्टीन एंड हेमी सेल्यूलोज इज देर अच्छा फिर हम आ जाते हैं थर्ड लेयर की तरफ विच इज़ द सेकेंडरी वॉल सेकेंडरी वॉल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन सम प्लांट सेल्स लाइक कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं होती तो उनमें सेकेंडरी वॉल की सिक्रीशन फिर नहीं होती लेकिन सम प्लान सेल्स आर देयर दैट नीड सम एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट हार्डनेस रिजिडनेस उनको चाहिए सो so, जो प्रोटोप्लाजम प्रोटो है वो एक और लेयर प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल विच इज प्रेजेंट अबव द प्राइमरी वॉल ठीक है इसका डायमीटर आपके पास होता है फाइव टू टेन माइक्रोमीटर्स एंड इसके कंपोजिशन में होते हैं सुब्रीन वैक्स uh, होता है सेल्यूलोज इनऑर्गेनिक सॉल्स एंड सम समलेका इज ऑल्सो फाउंड जो सेकेंडरी एंड प्राइमरी वॉल्स हैं ये क्या करते हैं कि ये हार्डनेस एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं सेल वॉल को इसके अलावा हार्डनेस एंड रिजिडिटी प्रोडक्शन के अलावा के जो आपके पास द लेयर्स हैं सेल वॉल की दे आर फ्लेक्सिबल आल्सो इनमें आपके पास क्या है कि इनमें इलास्टिक सब्सटेंसेस भी मौजूद होते हैं इलास्टिक फाइबर्स भी मौजूद होते हैं जो इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का रीज़न ये है कि ये अलाउ करते हैं प्लांट सेल्स को टू ग्रो अगर ये आपके पास इन फ्लैक्सीबल ना होते तो फिर जो प्लांट सेल्स हैं तो इनमें ग्रोथ पॉसिबल ना होती सो फॉर द प्रोडक्शन फॉर द सेल ग्रोथ एंड लेंथ की इंक्रीजमेंट के लिए या विथ की इंक्रीजमेंट के लिए फ्लैक्सीबिलिटी बहुत ज़रूरी है जो प्लांट सेल वॉल प्लांट सेल्स को प्रोवाइड करता है